वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीट्राइकम की टाइप को. तो सबसे पहले जो है हम इसकी अक्रेंस देख लेते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं. तो ये वर्ल्ड वाइड जो है वो पाए जाते हैं, यानी दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में इनकी मौजूदगी जो है वो पाई गई है. इसके अलावा मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कूल टेम्परेचर वाले इलाके में पाए जाते हैं, और समटाइम जो है वो ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो गर्म और ऊंचाई वाला इलाका होता है वहाँ पर पाए जाते हैं. और ये प्लांट जो है वो अलाइव रहते हैं कूल एंड शेडी प्लेसेस पे, यानी मोस्टली इनको शेडी प्लेसेस पे और कूल टेम्परेचर वाले रीजन में देखा गया है. उसके बाद है पॉलीट्राइकम का जनरल स्ट्रक्चर. तो प्लांट बॉडी जो होती है पॉलीट्राइकम की, वो गैमेटोफाइट होती है. तो गैमेटोफाइट आपको पता होगा वो बॉडी जिससे जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उस बॉडी को हम गैमेटोफाइट बॉडी कहते हैं. और प्लांट्स के अंदर दूसरी बॉडी होती है स्पोरोफाइट बॉडी. तो स्पोरोफाइट बॉडी वो होती है जिससे प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन स्पोर्स से उनकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. तो पॉलीट्राइकम की जो बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, यानी इससे फर्दर जो है वो गैमेट्स डिवेल्प होंगे. अडल्ट प्लांट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक तीसरा पार्ट भी मेंशन किया हुआ है. मेन दो पार्ट हैं वो है राइजोम और अपराइट लीफी शूट. राइजोम हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यानी स्टेम का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है और कुछ जो है वो ज़मीन के बाहर एक्सपोज भी हो रहा होता है, तो उसे हम राइजोम कहते हैं. यानी स्टेम का ही एक किस्म का पार्ट होता है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है. अपराइट लीफी शूट यानी राइजोम से जो फर्दर अपवर्ड जो है वो ग्रोथ होती है प्लांट की, तो उसको हमने अपराइट लीफी शूट कह दिया. इस शूट के ऊपर जो है लीफ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको अपराइट लीफी शूट बोला है. इसके अलावा लीव्स इसका अलग से पार्ट दे दिया, यानी इस शूट के ऊपर जो लीव्स होते हैं उनको भी एक पार्ट जो है वो हम कंसिडर करेंगे और इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे. तो राइजोम जो है हम देख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो पोर्शन होता है जो ज़मीन के ऊपर फैला हुआ होता है, आधा ज़मीन के अंदर होता है और आधा ज़मीन के बाहर होता है. तो ग्रो कहाँ करता है, ये अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करता है. इसके अलावा इसके ऊपर जो है वह स्मॉल ब्राउन लीव्स जो है पाए जाते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, और ये लीव्स जो हैं वो तीन तीन रोज़ की फॉर्म में इसके ऊपर पाए जाते हैं. इसके अलावा इस पर राइजोइड्स भी पाए जाती हैं. राइजोइड्स जो हैं हम रूट्स को बोलते हैं जो कि इस राइजोम यानी अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज होते हैं. अब ये जो राइजोइड्स के सेल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटोप्लाज्म और ऑयल ग्लोब्यूल्स यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि अपराइट लीफी शूट जो है वो पॉलीट्राइकम की किस तरह की होती है. तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग होती है और इसके ऊपर जो है वो लीव्स पाए जाते हैं. अब ये जो लीफी शूट है ये अराइज कहाँ से होती है, तो ये राइजोम से अराइज होती है. राइजोम मतलब अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. अब इस लीफी शूट के ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं इनमें लार्ज जो है वो लीव्स पाए जाते हैं, और ये लीव्स जो है वो स्पायरली अरेंज होते हैं, यानी स्पायरल जैसे स्प्रिंग होता है उस डायरेक्शन में ये लीव जो है वो शूट के ऊपर पाए जाते हैं. अब हम लीव्स को अलग से देख लेते हैं. तो लीव्स जो है ये ब्रॉड बेस रखती हैं, यानी इनकी चौड़ी जो है वो बेसमेंट होती है. लीव्स का जो अपर पोर्शन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो इनका लोअर पोर्शन होता है वो ब्राउन कलर का होता है. हर लीफ के अंदर जो है एक ब्रॉड कलरलेस लीफ बेस पाया जाता है और नैरो जो है वो डिजिटल लिम्ब पाया जाता है. तो यहाँ पे लीफ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक जो है वो लीफ है, एलोंगेटेड लीफ है, और इसका ये जो पोर्शन है ये इसका बेसमेंट है जिसको हम लीफ ब्रॉड बेस बोलते हैं, और ये इसका जो है वो नैरो डिजिटल लिम्ब है. अब लीफ की जो मिडरिब होती है वो लीफ का मेजर पार्ट बनाती है. तो यहाँ पे आपको मिडरिप भी नज़र आ रही है. तो मिडरिप जो है इसके अंदर बहुत ही थिक किस्म की मिडरिप पाई जाती है. लीव जो है वो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ रखते हैं, जो कि टिश्यूज़ जो हैं वो इनके ग्रीन सेल्स के होते हैं और वर्टिकल प्लेट्स की फॉर्म में इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम लैमिला भी बोलते हैं. तो यानी कि हमारे पास लीफ है, तो लीफ का ये मिडरिप है. मिडरिप के बाद ये जो बाकी पोर्शन है इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो इलॉन्गेटेड होते हैं, वर्टिकल प्लेट्स की सूरत में होते हैं. तो इसीलिए जो है हम इनको लैमिला का पोर्शन कहते हैं. ग्रीन लैमिला जो है वो एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ के तौर पर काम करता है, यानी इन्हीं ग्रीन सेल्स की वजह से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो और ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे आपको जो है पॉलीट्राइकम का मेल प्लांट दिखाया गया है, यहाँ पे आपको फीमेल प्लांट दिखाया गया है, और वो आपको लीफ जो है वो दिखाया गया है. तो मेल प्लांट जो है वो कुछ ऐसा इसका होता है. ये इसका राइजोम पोर्शन, यानी जिसको हम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम बोलते हैं, यह राइजोम. यह इसका अपराइट लीफी शूट जिसको हम स्टेम कहते हैं, और ये है इसके लीव्स. अब फीमेल जो प्लांट होता है इसके अंदर राइजोइड्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो राइजोम होता है. राइजोइड्स रूट्स को बोलते हैं, राइजोम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम होता है.
ये स्टेम का पोर्शन होता है, स्टेम से ही जो है वो राइजोइड्स निकलती हैं, स्टेम के ऊपर जो है इसके अंदर लीफ पाए जाते हैं। तो ये है फीमेल प्लांट ऑफ द पॉलीट्राइकम और यह है मेल प्लांट ऑफ द पॉलीट्राइकम। और लीफ भी आपको अलग से बना करके दिखा दिया गया है। तो लीफ जो है कुछ ऐसा होता है, बेसमेंट इसका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और इसकी जो डिस्टल एंड होता है वो नैरो होता है यानी बारीक होता है। और मिडरिप जो है वो इसके अंदर बहुत ही मोटी वाजे पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि पॉलीट्राइकम के ये जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्टेम यानी अपराइट लीफी शूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉलीट्राइकम के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है। पॉलीट्राइकम के लीफ के अंदर जो है मिडरिप बहुत ही थिक होता है, जो आपको मैंने डायग्राम से ऑलरेडी दिखा दिया है। मार्जिन जो है वो इसके थिन होते हैं, बारीक होते हैं। लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वो एपिडर्मिस से कवर होता है और वन आर टू लेयर्स जो होती हैं सेकेंकाइमा टिश्यूज की वो एपिडर्मिस के अबव जो है वो पाई जाती हैं। यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख लें तो ये जो इसका लोअर पोर्शन है यहाँ पे है, ये लोअर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के बाद ये क्या है पैरेन्काइमा सेल्स जिनको आपने सेकेंकाइमा टिश्यूज की टू आर थ्री लेयर्स का हुआ है जो कि पैरेन्काइमा के बाद डिवेल्प होंगी। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं ये हमारे पास सेकेंकाइमा टिश्यूज हैं। तो यहाँ पे लिखें लोअर एपिडर्मिस, तो इसके अबव क्या है सेकेंकाइमा टिश्यूज, इसलिए यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि एपिडर्मिस के अबव जो है वो सेकेंकाइमा टिश्यूज की वन आर टू लेयर्स पाई जाती हैं। लीफ के जो सेंट्रल टिश्यूज होते हैं वो थिन वाल्ड पैरेन्काइमा भी रखते हैं, यानी ये देखें थिन वाल्ड पैरेन्काइमा भी इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि सेकेंकाइमा सेल्स के अबव जो है वो पाई जाती हैं। तो अपर लेयर जो होती है उसके अंदर जो है वो लार्ज सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, ये लैमेला बनाते हैं। अपर पोर्शन जो होता है उसके अंदर जो है वो फोटोसेंसिस होती है जो कि लीफ का मेन फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। तो ये हमारे पास है लीफ का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको लीफ का सेक्शन बना के दिखाया गया है। ये है लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद है पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स के बाद है सेकेंकाइमा सेल्स। पैरेन्काइमा थिन सेल्स भी होते हैं और इसके अंदर थिक भी होते हैं। इसके अलावा जो अपर पोर्शन होता है वो है लैमिला बनाता है और लैमिला जो है क्या करता है मेन इसका फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंकाइमा मेंशन नहीं किया, आप जो है इन सेल्स को सेकेंकाइमा जो है वो मेंशन कर लें। तो ये जो हमारे पास टू और थ्री लेयर्स हैं ये हमारे पास क्या है सेकेंकाइमा लेयर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है पॉलीट्राइकम में। तो अगर हम स्टेम का जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो हमें इसमें तीन रीजन जो है वो नज़र आते हैं। एक रीजन होता है मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स, तीसरा होता है एपिडर्मिस। तो मेडुला जो है इसके फर्दर जो है वो डिवीजन होती है, दो जोन्स बनते हैं। एक जोन को हम कहते हैं सेंट्रल जोन, दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल जोन। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो थिक वाइल्ड सेल का बना हुआ होता है। इसके अलावा कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो कंडक्टिंग सेल्स को जो है वो सराउंड करती है। कंडक्टिंग सेल्स हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, तो यानी जाइलम एंड फ्लोएम को ये इर्द गिर्द जो है वो सराउंड करती है, उसके इर्द गिर्द दायरा बनाती है। तो इन सेल्स को जो है हम मेंटल बोलते हैं। ये भी डायग्राम से आपको पता चल जाएगा मेंटल जो है वो क्या होता है। एपिडर्मिस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर प्लांट्स की सरफेस के ऊपर जो है वो एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। तो स्टेम के ऊपर भी जो है वो कॉर्टेक्स के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। तो स्टेम के सबसे आउटर जो है हमारे पास एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स के ऊपर जो है एपिडर्मिस पाई जाती है। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे जो है वो इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो कुछ लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। उसके बाद इनर पोर्शन जिसको हम मेडुला बोलते हैं, तो स्टेम का जो मेडुला होता है वो सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि फर्दर जो है वो दो जोन में डिवाइडेड होता है। एक हम कहते हैं पेरिफेरल जोन और एक हम कहते हैं सेंट्रल जोन, और इस होल को हम कहते हैं मेंटल। तो ये था हमारा आज का लेसन।